सो हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग? आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप लोग भी टेलीग्राम में अपने आईडी को लॉगिन कर रहे हो लेकिन कुछ टाइम बाद होता है कि आपकी आईडी अपने आप ही लॉग आउट हो जा रही है, इसका मतलब कि अपने आपकी जो आईडी है एक ही फ़ोन में लॉगिन है फिर भी आपकी आईडी बिना किसी जो है रीज़न के आपकी जो आईडी है अपने आप ही आपके फ़ोन में से हट रही है, यानी कि लॉग आउट हो रही है। आज के लिए मैं आपको बताऊंगा कैसे आप इस लोगों को ठीक कर सकते हो। बस इस वीडियो का एंड तक देखते रहिएगा, साथ में अगर आपको इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सो गाइस, सबसे पहले आप क्या करना होगा, आपको जो है ऊपर यहाँ से आपको नोटिफिकेशन बार ओपन करना है, देन यहाँ पे आपको वाईफाई का ऑप्शन मिलता है। गाइस, वाईफाई का ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पे आप क्या करना होगा, अगर आप मोबाइल डाटा यूज़ कर रहे हो तो आपको मोबाइल डाटा को बंद करके चालू कर लेना होगा, अगर आप वाईफाई यूज़ कर रहे हो तो वाईफाई को बंद करके चालू कर लेना होगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको गाइस ये काम करना होगा। काम करने के बाद आप देखिएगा आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, और अगर आपकी प्रॉब्लम अभी भी सॉल्व नहीं होती तो यहाँ से गाइस आपको सिंपल से काम क्या करना है, आपको अपनी फ़ोन की सेटिंग्स को ओपन कर लेना होगा। फ़ोन की सेटिंग्स को ओपन करने के बाद स्क्रॉल डाउन करिएगा, लेकिन उससे पहले आपको एक और सेटिंग कर लेनी होगी जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको अपना प्ले स्टोर ओपन करना है, देन यहाँ पे गाइस आपको सर्च कर लेना होगा टेलीग्राम। यहाँ से गाइस मैं टेलीग्राम सर्च कर लेता हूँ, टेलीग्राम यहाँ पे आ चुका है, इस पर क्लिक करेंगे। देन यहाँ पे गाइस हम थोड़ा सा वेट कर लेंगे क्योंकि मेरा इंटरनेट थोड़ा स्लो चल रहा है। अब यहाँ पे टेलीग्राम आ जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको चेक करना है कोई अपडेट अवेलेबल है नहीं है। अगर यहाँ पे कोई अपडेट अवेलेबल नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको जस्ट यहाँ से बैक आ जाना होगा। बैक आने के बाद अब हम बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट सेटिंग की तरफ जो कि आपको करनी होगी। इसके लिए फ़ोन की सेटिंग्स ओपन करेंगे, सेम एज इट इज़ हम नीचे आएंगे, देन यहाँ से आपको ऐप्स का ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक कर देंगे। ऐप्स का ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको मैनेज ऐप्स मिल जाता है, यहाँ पर क्लिक करिए। आपके फ़ोन में ऐप मैनेजमेंट भी हो सकता है, ध्यान से देखिएगा। देन यहाँ पे आपको सर्च कर लेना होगा टेलीग्राम को। सो यहाँ से हम क्या करते हैं, टेलीग्राम को सर्च कर लेते हैं। यहाँ पे टेलीग्राम आ चुका है, इस पर क्लिक करेंगे, स्टोरेज ओपन करेंगे, क्लियर डाटा पे क्लिक करके यहाँ से क्लियर कैच कर देंगे, देन मैनेज फेस पे क्लिक करेंगे। ऊपर आपको थ्री डॉट देखने को मिल रहा है, इस पर क्लिक करेंगे, क्लियर लोकल डेटा बेस पर क्लिक कर देंगे। यहाँ से कैसे क्लियर कर देंगे, क्लियर करने के बाद आपको बैक आना है, देन अपने फ़ोन का पावर बटन दबाना होगा, यहाँ से अपने फ़ोन को रीबूट यानी कि रीस्टार्ट कर लेना होगा। ठीक है, जैसे आपको एक काम करना होगा, एक काम करने के बाद आप देखिएगा आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और अगर आपकी प्रॉब्लम अभी सॉल्व नहीं हो रही तो मैं आपको बता देता हूँ आपको अगला काम क्या करना है। सो यहाँ पे कैसे अगला काम भी बहुत ही आसान है, आपको क्या करना है, अपना टेलीग्राम ओपन करना होगा। ठीक है, सो ये सेटिंग आप तभी कर पाओगे जब आपका टेलीग्राम लाइक जो है देर मतलब बहुत देर बाद यहाँ पे लॉग आउट हो रहा हो। ऐसा नहीं कि आपने टेलीग्राम ओपन किया तुरंत आपका टेलीग्राम लॉग आउट हो जाए, क्योंकि एक सेटिंग हमें टेलीग्राम के अंदर से करनी है। सो उसको करने के लिए हमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ। देन यहाँ से हम टेलीग्राम ओपन कर लेंगे। अगर आप लोगों का कुछ टाइम के लिए टेलीग्राम ओपन हो रहा है तो कर लेना होगा। देन आपको यहाँ पे थ्री लाइन पर क्लिक करना है, थ्री लाइन पर क्लिक करने के बाद यहाँ से सेटिंग्स को ओपन कर लेना होगा। इसी सेटिंग्स को ओपन कर लोगे, देन यहाँ पे आपको नीचे एक डिवाइसेस का ऑप्शन मिल रहा है, इस पर टैप करना है। टैप करने के बाद यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे मेरा जो फ़ोन है Redmi 13C 5G, यहाँ पे गाइस मुझे ये डिवाइस शो कर रहा है। अब यहाँ पे गाइस अगर आपको अपने डिवाइस के अलावा कोई और डिवाइस यहाँ पे शो कर रहा है तो आपको इसे रिमूव कर देना होगा, क्योंकि गाइस ऐसा हो सकता है कि आपकी आईडी किसी और फ़ोन में लॉगिन हो और आपको ना पता हो। ऐसे में जो आपके यहाँ से आईडी गाइस आप उसे जो है रिमूव कर दीजिएगा सेकंड वाले, और साथ में अपना पासवर्ड भी बदल दीजिएगा। सिर्फ आपका फ़ोन रहना चाहिए और आपका पासवर्ड भी आपको बदल लेना होगा, तभी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो पाएगी। तो बस गाइस एक्चुअली मैं आपको इतना बताना था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं गाइस किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।